रमा एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने अश्विन शुक्ल मास एकादशी अर्थात पापा कुशा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया ये सब कुछ मुझे विधान पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में दीपावली के 4 दिन पहले आने वाले इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इसे पुण्य दायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर हो जाते हैं। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महामहत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। रमा एकादशी व्रत कथा। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुगुंद नाम के एक राजा थे। उसकी इंद्र के साथ गहरी मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। ये राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वे शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न होने लगी। अरे, मेरे पति तो बहुत दुर्बल हैं। मेरे पिता की आज्ञा बहुत कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत दुख और चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार से भी भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गाँव आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो क्या कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही इस व्रत का पालन करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से बहुत ज्यादा पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। ये अत्यंत सुंदर रतन और वैद्य मणि जटित स्वर्ण के खम्भों पर निर्मित अनेक प्रकार के सफटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व सवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभ्यमान होता था मानो इंद्र विराजमान हो। एक समय मुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचाना कि अरे, ये तो राजा का जमाई शोभन है, और वो उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर पास गया और प्रणाम दी करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अस्थिर है, ये स्थिर हो जाए आप ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य ही वही उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझें। शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, ये सब कुछ अस्थिर है। यदि आप
मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को ये सब वृतांत कहेंगे तो ये स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब कुछ विस्तार में कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसे देवताओं के नगर के सम्मान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा है ये स्थिर नहीं है, किस प्रकार ये स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, तो मुझे वहाँ ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा हो रही है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा सहयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिलाना तो एक महान पुण्य का काम होता है। सोम शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाई तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 साल की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महामहत्व कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके भ्रम इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करें, आपको भी जरूर फल मिलेगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।